तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और खबर देखेंगे रायपुर से। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के मामले में कांकेर पुलिस ने रायपुर के एक बड़े कारोबारी को राजवंत गांव से गिरफ्तार किया है। ललित चौक स्थित वीआईटी कंप्यूटर के संचालक हितेश अग्रवाल पर आरोप है कि उसने बिना बिल के ही नक्सलियों को कंप्यूटर वॉकी चौकी जैसे सामान उपलब्ध कराए। नक्सलियों को बिना पक्का बिल दिए सामान की सप्लाई की गई थी, जिसके आधार पर कांकेर पुलिस ने आरोपी कारोबारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की दुकान में दबिश के दौरान पुलिस ने कई जरूरी कागजातों को बरामद किया है। कांकेर पुलिस ने कुछ दिन पहले ही एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही के आधार पर ही हितेश अग्रवाल की गिरफ्तारी की गई। फिलहाल कांकेर पुलिस कारोबारी से पूछताछ में जुटी हुई है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क मामले में कांकेर पुलिस ने जांच का दायरा आगे बढ़ाया है। इस मामले में रायपुर के एक कारोबारी को हिरासत में राजनांदगांव से पुलिस ने लिया है और उसके बाद कल देर शाम कांकेर पुलिस उस कारोबारी को लेकर उसके ललिता चौक स्थित वीआईटी कंप्यूटर दुकान में पहुंची थी। ये उस कारोबारी का दुकान है वीआईटी कंप्यूटर के नाम से और जो कारोबारी है उसका नाम हितेश अग्रवाल बताया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले नक्सलियों के शहरी नेटवर्क मामले में एक ठेकेदार को राजनांदगांव से कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसी से इनपुट के आधार पर इस बात की जानकारी पुलिस को लगी थी कि नक्सलियों को जो वॉकी टॉकी और कंप्यूटर सप्लाई किया गया था उसके वीआईटी कंप्यूटर स्थित इसी दुकान से लिया गया था। और इसके अलावा एक और जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस पूरी लेन देन की प्रक्रिया में किसी प्रकार का बिल दुकानदार के द्वारा नहीं गया था और इसी के चलते उसे हिरासत में लिया गया है। कल देर शाम जो कांकेर पुलिस है उसे लेकर यहाँ पर पहुंची थी, काफी देर तक यहाँ पर जांच की थी, उसके बाद उसे कांकेर अपने साथ पुलिस लेकर गई है। वहाँ पर लगातार पूछताछ उससे हो रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि उससे पूछताछ के आधार पर कई अहम खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।